आज हम मिले हैं लक्ष्मण यानी सुनील लाहिरी से और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। रामायण और महाभारत के बारे में बहुत फेमस है कि जो एक्टर्स जब काम करना शुरू किया था उन्होंने तो वो टू व्हीलर पर आते थे, एंड होते होते उनके पास कई गाड़ियां हो गई और कई घर हो गए। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बात तो महाभारत में हुई हो सकती है, पर रामायण में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। रामायण में मेरे पास में गाड़ी, रामायण की शूट के पहले शेड्यूल में ही मेरे पास गाड़ी थी और अरुण जी के पास भी थी। दीपिका जी पहले शेड्यूल में गाड़ी से नहीं आई थी, पर डेफिनेटली शी मस्ट बी हैविंग अ कार बिकॉज़ शी इज़ फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, तो इसलिए इतना तो मैं बोलूँगा। बाकी अरविंद भाई के पास में उस समय भी नहीं थी, बाद में भी नहीं है और आज भी नहीं। जब रामायण के आर्टिस्ट आए थे तब उनके पास इतना फाइनेंशियली वो नहीं थे, लेकिन जब एंड होते होते वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। रामायण से हमें पैसे नहीं मिले ज्यादा, पेमेंट जो है इतना नहीं था। हाँ, महाभारत वालों को डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा बेटर पेमेंट था, बेटर फैसिलिटी थी, सब कुछ था उनके पास में, पर वो उमरगांव भी शूट नहीं, उतनी दूर भी शूट नहीं कर रहे थे, वो उन लोगों के लिए ज़्यादा कहीं वहीं होता था, तो इसलिए उन लोगों के लिए इतना इनकन्वीनियंस भी नहीं था। हम लोग तो क्या है कि जिन हालात में रहे हैं वो हालात आप सोच भी नहीं सकते हैं आज के हिसाब से। मतलब सोच लीजिए कि ये था कि रूम जो था वो मेकअप रूम था, उसी को हम लोगों का पर्सनल रूम भी बनाया हुआ था, जहाँ पे बेड प्रॉपर नहीं था, एक वो तखट टाइप का था उसमें था, और उस तरह के गद्दे थे जिस गद्दे पे आप सो नहीं सकते हो, मतलब ये जो रुई के गद्दे गांठ बंदी होती ना उस तरह के गद्दे थे। तो मैं एक गद्दा यहाँ से लेके गया और उसको वहीं रखता था और उसको यूज़ करता था। फिर उसके अलावा पानी इतना ख़राब था वहाँ पे कि आप पानी पिए तो पेट पूरा खुला लगता, और अगर आप देखें रामायण में मेरा ज़्यादातर ऐसा पेट लग रहा है कि जैसे मेरा पेट निकला हुआ है, पर एक्चुअली वो वहाँ के पानी है। फिर मैंने बाद में, अगर आप बाद के सीन देखेंगे तो उसमें मैंने फिर बॉम्बे से पानी ले जाना शुरू किया, यहाँ से पानी ले जाता था और वही यूज़ करता था। फिर मैं, बल्कि मैं दो केन भर के ले जाता था, एक बाकी लोगों को भी देता था, एक मैं अपने लिए भी रखता था। तो ये एसी भी नहीं था शुरू में, तो स्टूडियो में तो वैसे भी एसी नहीं था, पंखे थे, बहुत बड़े बड़े पंखे चलते थे, आवाज पंखे चलते थे, तो ऑडियो ऑडियो नहीं, तो ऑडियो के लिए उस समय रोक दिया जाता था, उस समय शॉट के लिए रोक दे, पर रोकते थे पसीना ऐसा पानी की तरह बहता था कि आप कई बार शॉट में देखेंगे तो आसपास में आपको गीला नजर भी आएगा पसीना, मतलब एक आदमी आपके पास खड़ा ही रहता था, मैं घटेगा और शॉट लो और फट आ जाता था वो, मतलब शॉट के बीच में पसीना आ जाता था। मतलब सचमुच का वनवास काट रहे थे आप लोग। सही, मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स के नाम बताऊंगी महाभारत के और आपको बताना होगा वो कैरेक्टर सुन के आपके जो माइंड में इंस्टेंट थॉट आता है, जो या फर्स्ट वर्ड आता है, आपको वो आंसर करना पड़ेगा। शुरू करें तो 5 कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत, मैं उनके नाम लूंगी। अर्जुन, योद्धा। कर्ण, कमिटेड मैन। कमिटेड। द्रोणाचार्य, गुरु। भीष्म पितामह। कमिटेड मैन एंड वचन के पक्के। और युधिष्ठिर, ऑनेस्ट। चलिए, तो हमने त्रेता युग वाले से द्वापर युग की बात तो कर ली, क्योंकि सुनील जी से मैं जब भी मिलती हूँ तो हम लोग रामायण के अलावा महाभारत की भी बहुत सारी बातें करते हैं, इसलिए मैंने इनसे ये सवाल पूछे। लक्ष्मण जो हैं, जब आपने बोला कि एज अ कैरेक्टर, जब आप 87 में जब टेलीकास्ट हो रहा था, फीमेल फॉलोइंग लक्ष्मण की ज्यादा थी और आज भी वही है, क्या रीजन देखते हैं? क्योंकि लक्ष्मण बड़ा ऐसे गुस्से वाला टाइप का ऐसा है। नहीं, मुझे मालूम है, मैंने काफी लोगों से डिस्कस किया और सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ मैं इस, कि कहीं ना कहीं लक्ष्मण की जो डेडिकेशन, सिंसियरिटी और जो उसका एक पर्सनैलिटी जो पोर्ट्रे की गई है, वो फीमेल्स को कहीं बहुत सिक्योर फील कराती है, चाहे वो यंग फीमेल हो या मैच्योर फीमेल। वेरी प्रोटेक्टिव है, वेरी प्रोटेक्टिव है, वेरी मतलब है कि केयरिंग है, प्रोटेक्टिव भी है, केयरिंग भी है, सिंसियर भी है, डेडिकेशन भी है उसमें, तो ये सारी चीज़ों ने तो लगता है फीमेल को कि उनके लिए आइडियल जो है वो ये है, और मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने उस समय भी किया, आज भी किया, और इन बिटवीन भी जो करते रही हैं फीमेल्स का जो फॉलोइंग रही है, मतलब 87 से 2020 के बीच में भी जो भी मैसेजेस आते रहे हैं, तो वो उसी चीज को देख के मुझे लगता है कि आते रहे। टेलीविजन पे रामायण इतना पॉपुलर रहा, रीरन उसके इतने हुए कि आज तक किसी भी शो का नहीं हुआ है, और खास करके ये पूरा लॉकडाउन में आप लोगों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए रीरन करके,
लेकिन हमारे भारतीय सिनेमा की हिस्ट्री 100 साल से भी ज्यादा की है, करीब 107-108 साल की है। आज तक कोई फिल्म मेकर या डायरेक्टर रामायण को उस स्केल पर क्यों नहीं बना सका है जो कि एक इतिहास कायम कर सके। एक्चुअली क्या है, रामायण का कैनवास बहुत बड़ा है, तो एक फिल्म जो 2.5 घंटे की या 3 घंटे की होती है उसमें कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए क्या है कि उस लेवल पे बनाना रामायण को थोड़ा डिफिकल्ट है। और सिनेमा तभी बन सकता है जब पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से अगर बनाया जाए, क्योंकि क्या है कि अपने आप में भी अगर आप एक पीरियड देखेंगे तो वो अपने आप में एक पीरियड, एक फिल्म, अपनी पूरी फिल्म है। जैसे जब यहाँ पे अयोध्या में रहे वो एक अपना पीरियड है, जंगल का एक अपना पीरियड है, सीता हरण का एक अपना पीरियड है, फिर सीता को वापस लाने का, तो इस तरह के सारे कांड हैं। हाँ, कांड है, जितने कांड हैं, हाँ जितने कांड हैं, हर कांड के ऊपर एक फिल्म बनाई जा सकती है। तो इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं कि फिल्म अटेम्प्ट होनी चाहिए और किस तरह से बननी चाहिए। मैं आपसे कुछ कैरेक्टर्स के नाम लूंगी, अगर आज बने या कल बननी शुरू हो, और आपके हिसाब से कौन फिट बैठेगा उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए अगर फिल्म बने बॉलीवुड में, तो हिंदी सिनेमा में, तो राम जी। राम मुझे लगता है अजय देवगन जी मुझे ज्यादा बेटर लगता है। लक्ष्मण ऋतिक रोशन। ओके, ऋतिक रोशन। सीता जी आलिया भट्ट भी हो सकती है, पर दीपिका जी बेटर एक्ट्रेस है। हनुमान। ओ, ये सबसे टास्क है। बहुत मुश्किल है, हनुमान जी का और रावण जी का, ये दो कैरेक्टर बहुत मुश्किल है ढूंढना। पर हाँ, मैं एक समझता हूँ कि अगर अमरीश पुरी जी होते तो रावण उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में एक हनुमान और है, मैं बताऊँ क्या जी? वो जो चेन्नई एक्सप्रेस में थंगुबली बना था। हाँ, इसका क्या नाम है, अपना पंकज धीर का बेटा, पंकज सर का बेटा। हाँ, पंकज धीर का बेटा। हाँ, पर क्या है कि वो हनुमान का जो भोलापन है वो बहुत मुश्किल है मिलना। मेरे ख्याल से इस समय इंडस्ट्री में वो डील डॉल वाला और वो भोलापन वाला फेस ना, जो आप बिल्ड की बात, बिल्ड की बात कर रहे हैं, और फेस में जो इनोसेंस है, क्योंकि क्या होता है कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो उतने उनके फेसेस हार्श हो जाते हैं, पर खूबसूरती थी दादाजी के फेस में कि रेस्लर होने के बाद भी उनके फेस में बहुत इनोसेंस थी। वो इनोसेंस मुझे थोड़ा सा कम लगता है कि कोई मिले, एटलीस्ट बॉम्बे इंडस्ट्री में, हो सकता है डाउन साउथ में, हो सकता है डाउन साउथ में मिल जाएंगे साउथ साइड में मिल जाएंगे, पर यहाँ पे थोड़ा मुझे कम लग रहा है कोई मिले। रावण मुझे लगता है सोनू सूद कर सकते हैं। रामायण की जो जितनी भी आपने स्टोरी शेयर की है अपने सेट के बारे में, इसके बारे में, उसमें हमने देखा कि आपने नाइट शिफ्ट की बहुत ज़्यादा स्टोरी शेयर नहीं की है, किस तरह से जो आपकी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी उसमें आप लोग किस तरह से स्ट्रगल करते थे। और देखिए, नाइट शिफ्ट की मैंने एक स्टोरी शेयर की थी। बहुत नाइट शिफ्ट हुई आपकी। बहुत हुई है, और क्योंकि सागर साहब के साथ में ये फेमस था कि वो आने का टाइम होता था, उनका जाने का टाइम नहीं होता था। जैसे ये नाइट शिफ्ट की जो बात कर रहे हैं ना, उसमें क्या होता था कि नाइट शिफ्ट में जब हम लोग शूट करते थे तो कई बार डे की शिफ्ट बुलाई जाती थी, पर उसमें नाइट हो जाती थी, शुरू करते करते ही नाइट हो जाती थी। मेरे साथ एक हादसा भी हो चुका है उसको लेके, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, किया है वैसे मैंने पहले, पर करूंगा। उसके अलावा क्या होता था कि जैसे मान लीजिए सपोज कर हम कंबाइंड शॉट्स कर रहे हैं, दोनों तीनों चारों एक्टर हैं उसमें, तो उसमें एक एक्टर को शॉट ले लिए जाते थे या लॉन्ग शॉट हो जाते थे, तो कहा जाता कि भाई एक आध घंटे के लिए आप फ्री हैं, तो हम रूम में जाके आराम कर लेते थे। तो कभी कभी रूम में जाके आराम करते करते सो जाते थे, सोते सोते पता ही चलता था सुबह 3 बजे 4 बजे जब नींद खुलती थी, देखते थे भाई क्या हो रहा है, तो जब सेट पे जाके देखते थे तो मालूम चला अभी शूट होना बाकी है काफी है। तो मतलब है कि आप सोच लीजिए कि रात रात भर, और फिर या तो यह होता था कि रूम से वो बाहर निकल रहा होता तो हम रूम में जा रहे होते थे, कहते हो गया तेरा काम, कहना हाँ हो गया, अभी तुम्हारा बुलावा आया तो तुम जाओ, तो इस तरह की चीजें काफी होती थी। ठीक है, अच्छा पार्ट एंड पार्सल, कई बार इरिटेशन भी होता है, जैसे मेरे साथ हो चुका है कि मेरे यहाँ बॉम्बे में किसी शूटिंग के लिए मेरे को आना था यहाँ पे सुबह 7 बजे, मैंने सागर साहब से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप प्लीज़ मेरे को जल्दी छोड़ दीजिएगा, और आप मेरे को बोलिए मैं सुबह 5 बजे 4 बजे 3 बजे जितने भी बोले मैं आ जाऊँगा, और मैं उन्होंने बोला 9 बजे, मैं 9 बजे पहुँच गया। 9 बजे से शूट का प्लान करते 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 रात हो गई, रात को 12-1 बजे तक मेरा शूट हुआ। उसके बाद में मेरे को ड्राइव करके बॉम्बे आना था, तो ड्राइव करके बॉम्बे आ रहा था, तो रास्ते में इतनी मतलब लिटरली आप सोचिए कि 24 घंटे से ज़्यादा मैं सोया नहीं था। तो नहीं सोने की वजह से क्या है कि गाड़ी चलाते चलाते मेरे को नींद आ गई,
और मेरे को पता भी नहीं चला कि गाड़ी कब मेरी खेत में उतर गई। और ये सोचे कि जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि दूर रास्ता हाईवे दिख रहा है और मैं खेत में हूँ। मैं थोड़ा अपने आप को संभाला, तब रियलाइज किया कि यार दिस कुड हैव बीन अ डेंजरस, मतलब जिंदगी के लिए नुकसानदायक हो सकता। फिर मैं बाजू के वहाँ थोड़े आगे जाके एक रेस्टोरेंट था, मनोहर जगह एक जगह पड़ती है, वहाँ पे मैंने मुँह धोया, थोड़े से मुँह धोया, फिर उसके बाद थोड़ा आधा घंटा मैंने वहीं पे गाड़ी रोक के वहीं आराम किया, उसके बाद फिर ड्राइव करके यहाँ बॉम्बे आया। लेट हो गया था थोड़ा सा, परंतु ये इस तरह की चीज़ें कई बार होती थी, कई बार लेट हो जाते थे हम लोग, पर इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वर्क, वी हैव टू डू इट। लॉकडाउन में जो आप लोगों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े जो आपके शो ने, और एक सिर्फ दूरदर्शन पर टेलीकास्ट ही नहीं, स्टार प्लस पर, दूसरे चैनल पर, और हर चैनल पे एक तरह से रिकॉर्ड कायम। इनफैक्ट स्टार प्लस को रिमाइंड ने नंबर वन की पोजीशन में वापस ला दिया, क्योंकि ये स्टार वालों नहीं बोला। मैंने नहीं बोल रहा हूँ, पर स्टार वालों ने बोला कि सर वी आर नाउ कांग्रेचुलेशन कि वी आर ऑन नंबर वन। आपको क्या लगता है कि एक ये रिकनेक्ट किया लोगों ने, क्योंकि ये लॉकडाउन था? और मैं नहीं समझता हूँ कि लॉकडाउन की भी वजह है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह होती तो देखिए क्या है कि आज के टाइम में जब हम 2020 में हैं और 87 में आपके पास एक ही चॉइस थी, सिर्फ दूरदर्शन अकेला था और कहीं पर कोई दूसरा चैनल नहीं था, तो इसलिए आपको वही देखना पड़ता था। पर आज आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और वेब के भी ऑप्शंस हैं, वेब सीरीज, वही बता रहा हूँ कि चैनल्स के अलावा वेब सीरीज के ऑप्शन है, उसके बाद में स्पोर्ट्स चैनल है, न्यूज चैनल है, फिर दूसरा इन्फॉर्मेटिव चैनल्स है, तो हर तरह के आपके पास में इंटरटेनमेंट है। उस इंटरटेनमेंट में सब कुछ भूल के रामायण का देखना जो है कि रामायण की अपनी कैपेसिटी, अपनी जो कंटेंट है उसका, जो उनकी इमोशंस हैं, जो उसकी फीलिंग है, जो उसकी मेकिंग है, जो उसके डायलॉग्स हैं, सब इतने परफेक्ट थे कि हर इंसान को उसने मतलब अट्रैक्ट किया, हर इंसान उसके साथ में जुड़ा। आप देखिए, मैं बताऊँ आपको कि अगर मेरे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आप देखें, इंस्टाग्राम मैं नहीं ऑपरेट करता था, अप्रैल में मैंने खोला इंस्टाग्राम, आपके कहने पर ही खोला मैंने, तो मैसेज किया आपको, तो इंस्टाग्राम पे विद इन मेरे ख्याल से एक महीना भी नहीं हुआ 1,00,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए मेरे जो फॉलोअर्स हो गए, और आज भी इतना प्यार देते हैं, इतना पसंद करते हैं, और फीमेल फैंस ने तो मतलब है कि मैं सोच भी नहीं सकता, 87 में भी वैसे हिसाब था और आज भी वैसे हिसाब हुआ कि इस उम्र में आके, जबकि मेरा बेटा यंग है, जवान है, he's quite good looking also, उसको छोड़ के मैं नेशनल क्रश बन गया। आप सोचिए कि यंग लड़कियां 16 साल की, सर 15 साल की, 18 साल की लड़कियां मतलब आपको मैसेज कर रही हैं, लव मैसेजेस दे रही हैं, तो दिस इज जस्ट एक्चुअली द मैडनेस ऑफ अ कैरेक्टर, मैडनेस ऑफ अ प्रोग्राम। लोग काफी दुखी थे कि रामायण खत्म हो रहा, हम देखने नहीं मिलेगा, जब स्टार प्लस पे शुरू हुआ तो वापस खुश हो गए लोग, जब स्टार प्लस पे खत्म होने लगा तो दुखी होने लगे, फिर जब स्टार प्लस ने ही वापस रिपीट करने की बात करी, उन्होंने एक समरी टाइप की दिखाई, हालांकि बहुत खराब दिखाई है, मैं आपके चैनल पे साफ बोलता हूँ, मैं सत्यानाश किया उसका, पर तब भी लोग जुड़े। उसके बाद में अभी वो प्रभाव पे दिखा रहे हैं, इस पे दिखा रहे हैं, उनके ही दूसरा एक चैनल है भारत करके, उस पे दिखा रहे हैं, तो दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और लोग आज भी मैसेज कर रहे हैं कि सर, यहाँ तक मैसेज कर रहे हैं कि सर इसको कंटिन्यू करवाइए आप, कि कहीं से ना किसी चैनल पे आते रहना चाहिए। क्या है कि आज के टाइम में जो टाइम है, जो कोरोना का टाइम है, जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिप्रेसिंग टाइम है, थोड़ा सा मतलब गमगीन है, थोड़े दुखी हैं लोग, लोग बुरी खबरें सुन रहे हैं, डर है उसमें, तो कहीं ना कहीं ये जो रामायण है एक हिम्मत देता, सपोर्ट देता। 33 years बाद इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और आई एम सो फॉर्चुनेट कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला एपिसोड था वो मेरा और मेघनाथ वाला, वो वध वाला ना, मेघनाथ वध वाला एपिसोड था। आप सोचिए कि मतलब है कि 77.7 million पीपल ने वॉच किया उस एपिसोड को, दैट्स अ रिकॉर्ड। आई थिंक मेरे ख्याल से इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है, और वो भी सेकंड रन में, सेकंड रन। चलो फर्स्ट रन में होता तो बात अलग थी, वर्ल्ड फर्स्ट रन में तो दूसरे भी कोई प्रोग्राम है अब्रॉड के जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, पर सेकंड रन में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाना इज आई मीन लाइक इम्पॉसिबल। अब हमने इतनी सारी बातें की रामायण के बारे में, ट्रिविया बहुत सारा शेयर किया, सुनील जी अब वापस आप लोग एक नेशनल हीरो बन गए हैं, आज की जनरेशन आपको पहचानने लगी है, 9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे पहचानने लगे हैं, तो अब आप वापस स्क्रीन पर दिखने वाले हैं,
दिखने की चाह है? देखिए, दिखने की चाह तो हमेशा ही रही है, पर क्या है कि मैंने 205 के बाद में काम नहीं किया, क्योंकि क्या है कि मैं मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को, तो इसलिए फिर मैंने बंद कर दिया काम करना। और लोगों के मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, उस एक्सपेक्टेशन से मैं बिलो नहीं जाना चाहता। और अभी जो प्यार मिला है, जो अभी मिल रहा है लोगों से, इसलिए मैंने कहा है कि मैं काम करूँगा, अच्छा काम करूँगा और ज़रूर करूँगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को काम करने की, मैं नहीं करूँगा अगर अच्छा काम नहीं आएगा। क्योंकि क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे फैंस हैं, उनको प्राउड फील करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो देखो अच्छा लगे, उनको अच्छा लगना चाहिए। हाँ, मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए उस समय डाउनलोडिंग की जरूरत थी, भगवान की तरह से पूरी हो गई, आज भी हो रही है, तो उसकी तो जरूरत नहीं है कि उसके लिए काम करना है। काम करना है तो एक सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना है, और दूसरा ऑडियंस को उनकी एक्सपेक्टेशन को खुश रखने के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए काम करना है। तो करूंगा, अगर अच्छा काम आएगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच सुनील सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, और आपके चैनल के थ्रू सभी दर्शकों को भी मैं ये बोलूंगा थैंक यू वेरी मच।